हेलो फ्रेंड्स, क्या बोलती फिशिंग कंपनी, उसमें सब भाई लोग है ना इधर पे। तो आज का मेरा वीडियो बनाने का टॉपिक है, मकसद है कोनो लीडर फिशिंग में किन फिशिंग में यूज करे, क्योंकि मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए थे पिछले दिनों में भी। हमारे नए एंगलर्स ने पूछा कितने इंच बनाए, कितने फुट का लिए। तो मैं एक वीडियो में बना के बताना चाहता हूँ कि ये मोनो लीडर कैसे मैं यूज करता हूँ और किन किन फिशिंग के लिए यूज करता हूँ। तो आपको एक सैंपल बना के बताऊंगा ताकि आपको आसानी हो। मैं तो भाई लोग पिछले वीडियो में भी बता चुका हूँ, मैं नॉट व्हाट ब्रेडेड टू मोनो नॉट नहीं मानता, क्योंकि मैं दोनों तरह की फिशिंग करता हूँ, लूर फिशिंग प्लस कार्प फिशिंग। आपको भी इसी तरह बताऊंगा ताकि आपको आसानी हो लीडर चेंज करने में और दोनों तरह की फिशिंग करने में। तो ये देखिए, 2.5 फीट 3 फीट के लाइन में सेट रेडी करके रखा हूं। एक जगह पे है स्नैप, एक जगह पे है स्विवेल, ताकि आसानी से इधर ब्रेड लाइन अटैच कर सके और निकाल सके। यही लीडर में यूज करता हूं। और आप मेरे देख सकते हैं वीडियो, पिछले सालों में भी जितने भी वीडियो में बताया मैंने यही बताया। तो एक हमारे नए एंगलर लोग के लिए छोटा सा वीडियो ध्यान से देखिए, बना के बताऊंगा मैं आपको कि ये लीडर लाइन। और फर्स्ट ऑफ ऑल लीडर लाइन का बताऊं, लीडर लाइन यूज होता है अंडर वाटर फिशिंग के लिए। मैं फ्रेश वाटर में जहाँ पे पटन वॉलेगट्टू, जिसे पटिन कहते हैं, नाची कहते हैं, और या फिर माशीर फिशिंग में तो जरूरी है, पटिन में भी जरूरी है। तो उन सब अंडर वाटर स्पून के लिए स्पेशली अपना स्पून नूरबेत या फिर स्पिंदर बेत कहिए, इसके लिए अंडर वाटर के लिए आपको लीडर यूज करना जरूरी होता है। तो आपको पहले बताते हैं कि कैसे, एक सैंपल बना के बताते हैं। देखिए, ध्यान से देखिए, वीडियो स्किप मत कीजिए। और खास करके ये वीडियो अपने नए एंगलर भाई लोग के लिए, जिनको डाउट रहता है कि लीडर क्यों लगाए, कैसे बनाए, कितने फीट का बनाए, तो आपको मैं बताता हूँ। तो फर्स्ट आपको लेना होगा ये दो चीज़ें, एक तो स्नैप और दूसरा जो है स्विवेल। ये देखिए, अगर आपके पास ऐसा वाला पीस है तो इसको सेपरेट कीजिए, ऐसे एक ही में काम हो जाएगा। अलग अलग कर दीजिए इसको ऐसे। ये दो चीज़ें लेने के बाद इसको साइड कर दें। आपको लेना होगा मोनो लीडर, शॉक लीडर लीजिए, मोनो लीडर लीजिए। मैं तो रिवर फिशिंग के लिए और स्टार्टिंग से मैं यही यूज़ करता हूँ। 70 mm या फिर 80 mm ले लो चलेगा, नायलॉन फिशिंग लाइन। आपको ये लाइन लेना होगा 3.5 फीट, यानी ये देखो 3.5 फीट के हिसाब से आपको कट करना होगा लाइन। ये कम से कम 3 फीट के ऊपर ले लो। अभी इतना इसको 43 पे कट कर देते हैं। तो 3.5 फीट लाइन कट करने के बाद इसको एक साइड में स्नैप लगाता हूं। देखिए, आपको जो नॉट आता हो वो नॉट यहां पे मारिए, जो आपको इजी लगे, लेकिन स्ट्रांग होना चाहिए। मैं जो नॉट जैसे बनाता हूं आपको वो बताऊंगा। अच्छा, हैवी क्वालिटी का स्नैप ले लो, जैसा मैंने वीडियो में यूज किया है, ताकि बड़ा मछली लगने पे ओपन ना हो। एक, दो, तीन, चार, पांच, फिर इसके 5 बार इसको राउंड करने के बाद
तो इसके दूसरे हिस्से में हमको लगाना है ये स्वेल, इसको भी सेम नॉट मैं यूज करूंगा जैसे मैं पहले से शुरू से यूज करता आ रहा हूं। थोड़ा बड़ा ले लो लाइन ताकि इधर आपको परेशानी ना हो नॉट मारने पे, फिर चाहिए तो एक्स्ट्रा वाला कट कर सकते हैं आप। इसको भी सेम 1, 2, 3, 4, 4, 5 पांच बार घुमा लिया राउंड कर लेके टर्न करने के बाद इसके नॉट के अंदर से लेना आपको और लाइन को खींचना है। ये देख सकते हैं आप, ये हो गया नायलॉन लीडर मोनो लीडर। तो जब भी आप फिशिंग पे जाते हैं तो इसे आपके रील के ब्रेड लाइन से कनेक्ट कर दीजिए आसानी से, फिर आप जब चाहे निकाल सकते हैं। ये देखिए मैं ऐसे ब्रेड लाइन मार के रखता हूँ नॉट, ये जब आप जाते हैं तो यूज करने के लिए। इस वाले हिस्से में स्नैप पे लूर लगाइए, फिशिंग कीजिए, जब चाहे चेंज कीजिए। ये हो गया सिंपल एंड इजी लीडर। नॉट मारेंगे बहुत बार खुल जाएगा, मुझे नए एंगलर लोगों ने बताया भी है कि ब्रेडेड से मोनो लगाने के बाद बहुत बार कास्टिंग टाइम में कट होके गया लाइन, या फिर मच्छी लगने के बाद इधर से नॉट उनका नॉट निकल गया। लेकिन अच्छा मानेंगे तो नॉट भी परफेक्ट हो जाता है, लेकिन ये इजी है, ज़्यादा इसको झंझट नहीं है, ज़्यादा दिमाग खराब करने की ज़रूरत नहीं आपको। ये देखो शुरू से सी फिशिंग के लिए भी और अपना फ्रेश वाटर फिशिंग के लिए भी मैं इसी तरीके से फिशिंग करता हूँ। ये देखो इसमें और एक क्या फ़ायदा है, जो भी कार्प फिशिंग करते हैं तो अगर नॉट मारेंगे तो उधर से फिर से कट करना पड़ेगा, तो जो कार्प फिशिंग भी करते हैं एक ही रॉड और एक ही रील के ऊपर, तो फिर से आसानी से इधर यहाँ पे आप रेड लाइन चेंज कर सकते हैं। चेंज करके जो अपना है कार्प फिशिंग का सेट लगा दीजिए। तो ये दोनों तरह की फिशिंग के लिए है, ये हुक फिशिंग लूर फिशिंग। ये लीडर आपको काम आएगा वॉलेगो माशीर स्नेकेट अंडर वाटर जो भी पानी के अंदर से आप लूर खेलते हैं, चम्मच हो या फिर मिन्नो हो रबर बेट हो, इन सब के लिए ये वाला लीडर काम आएगा 2.5-3 फीट का। हुक फिशिंग के लिए ये वाला आएगा, वेट चाहे तो आप कम लगा सकते हैं, मैंने थोड़ा ज़्यादा लगाया है। ऐसे बना के रखिए ऐसे स्वेल से अटैच करके, आप लोगों ने देखा जब चाहे यहाँ से ब्रेड लाइन निकाला और इस पे लगा सकते हैं लूर फिशिंग। पहली बात तो ये ट्रांसपेरेंट लीडर यूज करो, ट्रांसपेरेंट नायलॉन लाइन मोनो लाइन शॉक लीडर। इससे क्या होगा पानी के अंदर अगर डायरेक्ट ब्रेड लाइन लगाएंगे तो ब्रेड लाइन पानी के अंदर नजर आ जाता है, तो फिश के अटैक के स्ट्राइक के चांसेस कम रहते हैं, तो इससे चांसेस बढ़ जाते हैं और ये बहुत सही तरीका है।
क्योंकि आप 3 फीट तक गैप रहेगा तो लूर मछली जाए बिना शक के अटैक कर देगी इस पर, और ऐसा हमने एक्सपीरियंस भी किया है मैंने, तो ये लीडर लगाने से चांसेस ज़्यादा रहते हैं स्ट्राइक के, फिश अटैक के। और दूसरी बात, अगर पानी के अंदर पत्थर हो तो मछली लगने के बाद अगर पत्थर में लेके जाएगा तो भी अगर ब्रेलर हो तो कट हो जाएगा, ये मोनोलाइन नायलॉन लाइन कट नहीं होता है, घिस जाता है लेकिन बहुत ज़्यादा टिका रहता है, तो उसके ये भी फायदे हैं कि लाइन कट नहीं होता, खास करके समुंदर में और अपने पहाड़ी इलाकों के जो डैम होते हैं वहाँ पे पत्थर लगने पे ये टिका रहता है बहुत देर तक, कट नहीं होता, तो ये भी फायदा है इस लीडर का आगे लगाने का, मोनो लीडर का। और एक बात है, आजकल बहुत लोग स्नेकेड भी पकड़ रहे हैं और स्पिनर लूर, फ्रॉग लूर, पट्टन पकड़ रहे हैं, मतलब वाले को, तो चम्मच तोड़ के लेके जा रहा है, फ्रॉग लेके जा रहा है, स्पिनर लेके जा रहा है, तो आगे अच्छा वाला ATMM या 70 mm लीडर लगाने से मछली के दांत से भी जल्दी कट नहीं होगा, ये घिसेगा लेकिन कट नहीं होगा, अगर ब्रेडेड होगा तो मछली झटका मारते ही दांत लग के उड़ने का चांस रहता है, कट होने का चांस रहता है, तो ऐसा बहुत बार हुआ है, बहुत लोगों ने फेस किया है। जब बड़ा मछली लगेगा, बड़ा मछली लगने पर जब घाव मारते हैं और मछली जैसे ही झटका मारने स्टार्ट कर देता है और लूर अंदर होगा तो उसके दांत लग के लूर भी चला जाएगा, मछली भी मिस होगा, और आपको पता है बड़ा मछली मिस करने का कितना अफसोस होता है आपको, तो उसी जगह में अगर टॉप वाटर हो या फिर अंडर वाटर लीडर यूज़ करना चाहिए। और जिन जिन वीडियो में मैंने लीडर यूज़ करके, चाहे वो हुक फिशिंग हो या फिर लूर फिशिंग, उस वीडियो के मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके देख सकते हैं, एक के बाद आपको देखने मिलेगा कि कैसे मैंने ये बड़ा वाला वेट लगा के और हुक लगा के मछली निकाला है और इस लीडर पे भी निकाला है। मैं जो प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस करता हूँ, जो सही लगता है, फिर भी अपने व्यूअर्स को बताता हूँ। ओके दोस्तों, और जो कोई भी नॉट बनना चाहता है तो नॉट बन के भी यूज कर सकता है, लेकिन बहुत लोग परफेक्ट नहीं है, अब नए लोग नॉट बनेंगे ब्रेडेड पे तो बहुत, खास करके मेरे पास जो कंप्लेंट आया, मुझे जो बताया आदमी लोग हमारे लोकल बेलगाम वाले ही, कि हम लोगों ने ब्रेडेड टू मोनो नॉट बन के लेके गए थे, बड़ा स्निकेट लगा तो नॉट खुल गया भाई, तो मैंने उनको ये सजेशन दिया कि ऐसा करो, ये टिका रहेगा, मजबूत रहेगा और खुलेगा भी नहीं, ये आपको ब्रेडेड लाइन पे अटैच होगा स्विवेल और स्नैप पे फ्रॉग लूर या फिर स्पून लूर स्पिनर लूर लगाइए, तो ये स्ट्रांग हो जाता है और निकालने में चेंज करने में इजी रहता है, ये चेंज करके फिर आप डायरेक्ट लूर भी लगा सकते हैं या फिर हुक फिशिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं, इजी है भाई फॉर लूर फिशिंग एंड बेट फिशिंग, जो एक दो रॉड पे हो खेलना चाहते हैं तो उनके लिए तो बहुत इजी है। तो आज का वीडियो मोनो लीडर के यूजेस और कैसे बनाते हैं तो यहाँ तक ही था, ऐसा नहीं है ताकि आप सब लोग को पता चल गया है, बहुत लोग खेल रहे हैं, पहले 2 साल पहले नॉलेज नहीं था तो बहुत कमेंट आते थे, बहुत लोग पूछते थे, लेकिन आज भी हर ऐसा है कि नए नए लोग को जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, अभी भी मुझे कल परसों कमेंट आया कि कितना फिट रखना चाहिए लाइन, कितना MM का होना चाहिए, आप कितना यूज करते हैं, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया। तो जितना आप पुराने होंगे तो भी नए नए लोग बढ़ते जाएंगे, उनको नॉलेज की जरूरत रहेगी, तो मैंने सोचा कि वीडियो बना के डाल देता हूँ कैसे बनाना है, कितना बनाना है, और ये पूरा मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से प्रैक्टिकली खेला, फील्ड टेस्टिंग किया हुआ है, और जिन जिन वीडियो में मैंने यूज करके ऐसे मच्छी पकड़ा है, जिस पे लगा है लूर फिशिंग का, उन सारे वीडियोस का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, डिस्क्रिप्शन में क्लिक कीजिए, 1 by 1 वीडियो आप देख सकते हैं, ये देखिए, तो जितना सीखेंगे उतना कम है भाई, हम भी आप भी, तो मैक्सिमम जितना मेरा नॉलेज है जितना आप लोगों की हेल्प कर सकता हूँ करूँगा, और कुछ भी चाहिए तो कमेंट करके बता दीजिए, आपके कमेंट में रिप्लाई दूंगा या फिर और उस टॉपिक पे भी वीडियो बना के डालने की कोशिश करूंगा। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय, टेक केयर, कीप फिशिंग, गुड फिशिंग, एंजॉय।